सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी मैं मेरे सामने खड़ी है डेटसन की रेडिको, ठीक है। डेटसन निसान के अंडर ही आती है, तो आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। सामने है डेटसन रेडिको और ये इसका टॉप मॉडल है 0.8 लीटर, ठीक है। 800 cc में ये वाला वेरियंट आता है। तो पहले इसकी ये टॉप मॉडल है, इसकी आप लुक देख लो। यहाँ पे आपको LED DRLs मिल जाती हैं। और सबसे बेस्ट इस कार के बारे में क्या लगा, इसकी लुक्स और जो ये इसकी ग्रिल है, ठीक है। ग्रिल में यहाँ पे आपको क्रोम हाउसिंग मिल जाती है निसान मैग्नेट की तरह ही, लेकिन ये आपको फुल मिलती है, ठीक है। नीचे भी आपको क्रोम मिल रही है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, वो है इसकी लुक। लुक के साथ साथ नीचे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं क्विड में, जो कि इसकी राइवल है, ठीक है। उसमें आपको फॉग लैंप का ऑप्शन मिलता है, लेकिन मतलब ठीक है, फॉग लैंप मिल जाते हैं। आप लाइक ऑल्टो से इसको कंपेयर करते हैं, उससे तो बहुत अच्छी लुक है इसकी, बहुत ज़्यादा अच्छी लुक है। तो ये रही इसकी फ्रंट लुक, ठीक है। बहुत अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है। निसान की छोटी बहन, निसान मैग्नेट की छोटी बहन लगती है फ्रंट से देखने में। तो अब इसके साइड पे आते हैं, साइड व्यू इसका आप देख लो, ठीक है। डेटसन की बैजिंग आपको वहाँ पे मिल जाती है और अलॉय व्हील्स वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं आता है, आप बाहर से अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। टायर साइज़ बहुत अच्छा है, टायर्स अट्रैक्टिव हैं, पूरी प्रोपोर्शनेट लगती है कार, ठीक है। टॉल बॉय डिज़ाइन है, लेकिन पूरी प्रोपोर्शनेट लगती है कार। कहीं से भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ी ओवर साइज़ है या अंडर साइज़ है। अब एक चीज़ देखो, 14 इंचेस के आपको इसमें अलॉय, मतलब अलॉय नहीं है, व्हील्स आपको मिल रहे हैं 165/70 R14। और यही सेम साइज़ ना आपको ट्राइबर के बेस मॉडल्स में मिलता है। मेरी जो ट्राइबर है उसमें 165/80 R14 है और इसमें 165/70 R14 है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, मतलब इस सेगमेंट की गाड़ी में आपको इतना अच्छा टायर साइज मिल जा रहा है भाई। ऑल्टो में भी आजकल 13 इंचेस के, 12 इंचेस के आते हैं, तो ये चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको मिरर्स मिल जाते हैं, इंटरनली एडजस्टेबल हैं जॉयस्टिक के साथ, और फोल्ड आपको खुद ही करने पड़ते हैं हाथ से, ठीक है। जो साइड इंडिकेटर है वो आपको यहाँ फेंडर में मिल जाते हैं, इस सेगमेंट की गाड़ी में आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। एक बार आते हैं इसके रियर व्यू में, ठीक है। 28 लीटर का फ्यूल टैंक राइट साइड पे है, 28 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें आता है। और ये रही इसकी रियर लुक। रियर से थोड़ी सी ये ना ट्रोल होती है, रियल मतलब रियर साइड से थोड़ी सी ट्रोल होती है, बट स्टिल जो पैसा आप पे करते हैं उसके लिए अब मस्त है, मतलब अच्छी है। अब एक चीज़ क्या है, डिपार्चर एंगल इसका बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, ठीक है, मतलब जहाँ पे इसका जो रियर है ना वो एंडोर है, वहीं पे इसका टायर साइज़ आ रहा है। मतलब टायर देखो, ये टायर है और टायर में और इसके बम्पर में डिफरेंस देखो, ये चीज़ देखो आप। डिपार्चर एंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है इस गाड़ी का। यहाँ पे इसके आपको मिल जाते हैं टेल लैंप्स, ये ब्रेक है ब्रेक के लिए, ये रिवर्स के लिए, सॉरी ऊपर वाला रिवर्स के लिए, और ये रहा इसका साइड टर्न इंडिकेटर। यहाँ पे डेटसन की बैचिंग मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे रेडिको की बैचिंग मिल जाती है, ठीक है। 3 इसमें आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और नीचे एक चीज़ है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। मैंने एक चीज़ इसमें काफ़ी नोटिस करी, लाइक जो इसकी बम्पर की क्वालिटी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब लोग कहते हैं कि हल्की गाड़ियाँ बनाती है या वैसा कुछ है, बट टू बी ऑनेस्ट, पहले लाइक मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ ना इसका, तो रॉ वाली फील मेरे को आ रही है कि हाँ रॉ है, मतलब समझ रहे हो, रॉ वैसी फील आ रही है। बट हैवीनेस भी थोड़ी बहुत आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि सेफ बहुत है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। सेफ्टी का मुझे नहीं पता, हालांकि एक ही स्टार इसको मिला है, शायद अगर ये वाला वेरियंट मतलब क्रैश टेस्ट होता है तो शायद कुछ और करे, मैं उस पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। बस मैं ये कह रहा हूँ बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लाइक बम्पर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बम्पर भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मेरे को। तो पहले इसके चलते हैं हम इंटीरियर में, ठीक है। ऊपर आपको एंटीना मिल जा रहा है, पहले इसके इंटीरियर में चलते हैं। अब इसके इंटीरियर में लाइक मैं आया हूँ अभी, तो सीट पूरी पीछे कर दी। इस सेगमेंट की गाड़ी में भी कंपनी आपको यहाँ पे मतलब फैब्रिक दे रही है, मतलब ये देखो ये फैब्रिक है, तो फैब्रिक आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। और थर्ड आपने सुनी, मतलब ठीक है ऑल्टो से तो अच्छी है, ऑल्टो से अच्छी है। अब ये है कुछ इसका इंटीरियर, ठीक है। यहाँ पे आपको टच स्क्रीन मिल जाती है, ये चीज़ काफ़ी मतलब मेरे को क्विड से ना थोड़ी प्रीमियम लग रही है, क्विड से थोड़ी सी मेरे को प्रीमियम लग रही है। यहाँ पे आपको USB, ठीक है, ऑक्स, और यहाँ पे आपको अलग से चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। मैनुअल AC है, कुछ वैसा नहीं है। ये चीज़ ड्राइवर से ली गई है पूरी की पूरी, या शायद ड्राइवर ने इससे ली है, उस पर कुछ मैं कमेंट नहीं कर सकता। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। अब जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, उसमें कंपनीज को एक चीज़ करनी चाहिए, लाइक इस पर यॉन हो गया, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अभी बीप क्यों कर रही है ये मुझे नहीं पता। अच्छा एक चीज़ है, अब लाइक ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ठीक है, यहाँ पे आपको RPM मीटर आ जाता है जो कि डिजिटल है और बहुत छोटा है, वो फील नहीं देता यार अच्छी, बट स्टिल एटलीस्ट देते तो हैं मारुति, जो अपनी इसको बंद कर देते हैं एक बार,
लाइक जो मारुति है वो अपने बेस मॉडल्स में भी ये चीज़ नहीं देती, और वो लाइक इग्निस है, इग्निस के बेस मॉडल में भी ये चीज़ नहीं देगी, बट स्टिल रेडी को ये चीज़ आपको प्रोवाइड करिए, आरपीएम मीटर मिलता है। कंपनीज एक चीज़ कर सकती हैं, जो स्पीडोमीटर है ना वो ये डिजिटल में दे सकते हैं, बट जो फ्यूल मीटर है ना वो उनको देना चाहिए एनालॉग में। तो आई थिंक वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि फ्यूल मीटर जो है ना, मतलब किसी भी कंपनी का मैंने एक्यूरेट नहीं देखा एक्सेप्ट मारुति। दो एयरबैग जिसमें आपको मिल जाते हैं, टॉप मॉडल है 0.8 लीटर, एक यहाँ पे एक पैसेंजर साइड पे। अब ये चीज़ देखो कितनी प्रीमियम फील कर रही है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब ये जो क्वालिटी है ना इस चीज़ की, सिल्वर फिनिश की, ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब इसका एक बार मीडिया नैब ओपन करते हैं, ये रही इसकी एनिमेशन, कुछ ऐसी आती है। अभी बीप शायद इसलिए करिए कि बैटरी लो है, इसलिए यहाँ पे आपको डार्क का ऑप्शन मिल जाता है। अभी जस्ट स्टार्ट हुई है तो इसलिए थोड़ा हैंग करेगी, ऐसे करती नहीं है। अब लाइक डार्क मोड पे आ गई, इसको आप कहीं पे भी टच करो ये वापस से नॉर्मल मोड में आ जाएगी। रेडियो, मीडिया सेटिंग्स और फ़ोन सेटिंग्स में जाकर के वही सेम ड्राइवर वाला है, बस थोड़ा सा इन्होंने फॉन्ट्स चेंज कर दिए हैं, थोड़ा सा डिस्प्ले चेंज कर दिया है, बाकी सब सेम है। और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है यार, मतलब ऑल्टो में भी आपको वो मारुति प्रोवाइड करती है, बट स्टिल वो इतना ज़्यादा यूजेबल नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे क्विड वगैरह से थोड़ा अच्छा इसका मतलब लग रहा है, थोड़ा सा लैग कर रहा है इस टाइम, क्योंकि जस्ट अभी ही स्टार्ट हुई है, वरना ऐसे अगर ये लैग नहीं करती है। इसको बंद करते हैं अब एक बार। ये रही गियर नॉब, ड्राइविंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है इसमें बैठ के कि मैं निसान मैग्नेट से ना, मतलब निसान मैग्नेट की भी सीटिंग थोड़ी डाउन थी, इसकी थोड़ी सी अच्छी है। यहाँ पे जॉयस्टिक से आप एडजस्ट कर सकते हो मिरर्स, ठीक है। ऑटो डे वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, ड्राइवर साइड पे भी आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। बट स्टिल इतनी छोटी गाड़ी होने के बाद भी स्पेस अच्छी है और कॉन्फिडेंस दे रही है यार, लाइक गियर शिफ्टिंग्स, लाइक मैं रिवर्स गियर डाल रहा हूँ, सॉरी रिवर्स गियर ऐसे इसका ड्राइवर जैसे, बट थोड़ा सा लैग कर रहा है यार, मतलब गियर शिफ्टिंग उतनी स्मूथ नहीं है, बट स्टिल मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब एक चीज़ है जो इसकी पावर विंडोज़ के बटन है वो यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। रियर में आपको कोई पावर विंडो नहीं मिलती है, बट प्रीमियमनेस इस कार में है। अब एक बार इसके रियर में चल के देखते हैं, अब जो आगे वाली सीट थी ना वो मैंने पूरी पीछे करी हुई है। अब एक बार इसका स्पेस, इसकी स्पेस देखते हैं, बट स्टिल देखो मेरे घुटने जो हैं टच हो रहे हैं, बट मैं अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, पूरी की पूरी सीट मैंने पीछे करी है इस टाइम, पूरी सीट। अच्छा, जो इसके डोर्स हैं, डोर्स में यहाँ पे आपको मैनुअल ही जो शीशे हैं वो मैनुअल ही आपको अप डाउन करने पड़ते हैं, आपको पावर विंडोज़ नहीं मिलती पीछे। ये इसकी कुछ ऐसी लुक है, ठीक है, डैशबोर्ड की वो आप देख सकते हैं, लाइट आपको सिर्फ आगे ही मिलती है एक, ठीक है, पीछे आपको कोई लाइट नहीं मिलती है। अब एक बार इसका बूट देखते हैं, बूट स्पेस कैसी है। स्पेस तो अच्छी है गाड़ी में, ठीक है, थोड़ी सी वो खोखलापन आ रहा है जब मैं दरवाजे बंद कर रहा हूँ। ये आपको जो बूट है वो आपको सिर्फ चाबी से खुलता है, या फिर आगे जो यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हैं। ये रहा इसका बूट, बूट काफ़ी लाइट है, ये चीज़ मैं फील कर पा रहा हूँ, टेलगेट काफ़ी ज़्यादा लाइट है। अच्छा, ये रही बूट। अब बूट जो है ठीक है, डीप बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा डीप है भाई साहब, बहुत डीप है। चलो ये जो डीप है इसके कारण आप यहाँ पे बैग्स रख सकते हैं, एयरपोर्ट वाले बड़े बड़े बैग्स रख सकते हैं, लेकिन उतारने और निकालने में बहुत परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा डीप है भाई। और ये थोड़ा सा रॉ है, ठीक है, टायर आपको यहाँ मिल जाता है नीचे, स्पेयर टायर, ये चीज़ है। बूट उतना बड़ा नहीं है एज़ कम्पेयर टू क्विड, क्विड से छोटा है, बट एक चीज़ है डेप्थ बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण आप ज़्यादा सामान इसमें रख सकते हो। ये रहा इसका बूट, ठीक है, क्विड से थोड़ी मतलब बेटर डील है भी है और नहीं भी है, हालांकि क्विड मुझे इससे ज़्यादा थोड़ी पसंद है, बट स्टिल ऑल्टो से तो बहुत ज़्यादा अच्छी डील है। तो यही था गाइज इस वीडियो में रेडिको का रिव्यू, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।